देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है, खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। भारत ने जैविक कपास उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। देश में जैविक कपास का उत्पादन अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जैविक कपास के उत्पादन में 2016-17 से 423% की वृद्धि हुई है। 2016-17 में ये 1.55 लाख मिलियन टन था, जो 2020-21 में 8.11 लाख मिलियन टन हो गया है। देश में कपास की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कई उपाय किए हैं। कपास की उत्पादकता बढ़ाने हेतु भारत उचित पहल करने पर काम कर रहा है, जैसे सघन खेती प्रणाली, पानी की बूंद बूंद से सिंचाई, वर्षा जल संचयन, फसलों के बीच फसलों की पैदावार, खेती के बेहतरीन तौर तरीके को प्रोत्साहन और कपास की खेती का मशीनीकरण। इसके अलावा किसानों को प्राकृतिक तौर तरीकों के कारगर इस्तेमाल और आधुनिक वैज्ञानिक खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दूसरे देशों से साफ सुथरा कपास मंगाने के बजाय घरेलू कपास उद्योग को कपास अनुसंधान संस्थाओं और किसानों के साथ साथ मिलकर कपास की पैदावार के लिए ज्यादा कारगर तरीकों की रणनीतियां तैयार करने के लिए भी प्रोत्साहन मिल रहा है। देश में इस बदलती तस्वीर को देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी कपास उत्पादकता श्रृंखला यानी खेत से मिल तक की सभी गतिविधियों के सामूहिक प्रयासों से आने वाले वर्षों में भारत न सिर्फ कपास संबंधी हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन जाएगा, बल्कि दुनिया में बेहतर किस्म के कपास की आपूर्ति करने वाला अकेला देश हो जाएगा। दुनिया में भारत से सबसे ज्यादा रकबे पर कपास की खेती की जाती है। विश्व भर के 319.81 लाख हेक्टेयर रकबे से 40% से ज़्यादा अधिक रकबे पर कपास की पैदावार होती है। भारत में लगभग 60% से ज़्यादा कपास की पैदावार बारिश पर निर्भर क्षेत्रों में और 33% कपास की पैदावार सिंचित क्षेत्रों में होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।